हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 15 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप इफ एल्स इफ स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। तो आइए पहले देखते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट है क्या। आपने पिछली दो वीडियोस में देखा था कि हमने आपको इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट सिखाई थी, मगर इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, मतलब कि एक ही साथ इफ में मल्टीपल कंडीशंस डाल देना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक कंडीशन बनाई हुई है, इसी के बाद हमने एक और इफ स्टेटमेंट बना दी। यहाँ पर देखिए, अगर ये स्टेटमेंट पहले चलेगी, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो ये आगे वाली चेक नहीं होएंगी स्टेटमेंट्स। सबसे पहले ये स्टेटमेंट चेक होएगी कंडीशन वन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर की स्टेटमेंट चल जाएगी और इसके बाद वाली सारी कंडीशंस नहीं चेक होएंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद एल्स इफ में दूसरी कंडीशन ये चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो लास्ट में एल्स जो पार्ट है ये तो चलेगा ही चलेगा, मतलब कि अगर ऊपर की दो कंडीशनें फॉल्स हो जाएंगी तो ये कंडीशन तो चलेगी ही चलेगी। अगर बीच में से कोई भी कंडीशन चल जाती है तो उसके बाद कोई भी एल्स इफ की कंडीशन चेक नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे हमने एक एग्जांपल में एल्स इफ की एक स्टेटमेंट लगाई है, तो आप ऐसे जितनी मर्जी स्टेटमेंट लगा सकते हैं, 10, 20, 50, 100, जितनी भी आप मर्जी चाहें उतनी कंडीशंस एल्स इफ में अगली अगली स्टेटमेंट जाके बना सकते हैं। तो इसमें जो मेन पार्ट है जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं उसका नाम है एल्स इफ। तो आइए मैं आपको एक और एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे जो टाइम है, एक वेरिएबल है हमारे पास, जो भी टाइम होगा अगर वो सुबह के 10 बजे से कम है, एक टाइम एक हमने कंडीशन और बना ली। अगर जो टाइम है शाम के 8 बजे से पहले का है और एक एल्स स्टेटमेंट बनाई है, अगर सुबह का जो टाइम है वो सुबह के 10 बजे से पहले है तो राइट हो जाए गुड मॉर्निंग, अगर वो 8 बजे से पहले तक का है तो हमने लिख दिया गुड डे और उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया गुड इवनिंग। तो ये रियल टाइम एग्जांपल जो है, मतलब कि आपका टाइम पिक करेगा और उसमें से आपको ये कोई भी एक मैसेज निकाल के दे देगा। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली हम इसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल से हम इसे प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स की परसेंटेज है अलग अलग, यहाँ पर आप देख रहे हैं 82, 100, 79 से 45 से 59, 33 से 44, और इसी के हिसाब से हमने ग्रेड बना लिए। यहाँ देखिए, पहला है मेरिट, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज में किसी बच्चे की परसेंटेज आती है तो वो फर्स्ट डिवीजन है, और इसमें और इससे के बीच में परसेंटेज आती है तो उसकी सेकंड डिवीजन है, 33 से 44 के बीच में अगर परसेंटेज आती है तो उसकी थर्ड डिवीजन है, और अगर लेस देन 33% है तो वो बच्चा फेल है। तो यहाँ पर इसका हम एक एल्स इफ स्टेटमेंट से छोटी सी एप्लीकेशन बना के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने अपना एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट बना लिया और यहाँ पर अब हम अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पर देखिए, मैं पहले वेरिएबल ले लेता हूँ और उस पे नाम दे देता हूँ पीआर, पीआर मतलब परसेंटेज, और यहाँ पर मैं कोई परसेंटेज देता हूँ, जैसे मान लीजिए 55। अब मैं इसकी कंडीशन बना लेता हूँ, मैं बाद में इस परसेंटेज को चेंज भी करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले मैं इफ स्टेटमेंट बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना लूंगा, अगर जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, और साथ में मैं यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करूंगा, और अगर परसेंटेज लेस देन इक्वल टू 100 है, मतलब कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 80 या 80 से ज़्यादा, 100 या 100 से कम है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रिंट कर दे यू आर इन मेरिट। इसके बाद मैंने जाके यहाँ सेमी कॉलन लगा दिया। मैं इसी स्टेटमेंट को अब कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसको कहीं बार यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक और ऐसी स्टेटमेंट बना ली और यहाँ पर बस मेरे को यहाँ पर मार्क्स चेंज करने हैं 60, और यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाना, 80, मतलब कि मुझे 79 तक चलाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 80 ले लिया। तो यहाँ पर भी मैं मैसेज बाद में चेंज कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पर एक बार और स्टेटमेंट ले लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने जो ले ली इसकी स्टेटमेंट, 45 से ज़्यादा है या 45 के इक्वल है, और लेस देन 60 है। इसी तरह मैंने एक और स्टेटमेंट ले ली और यहाँ पर मैंने 33 और लेस देन 45 कर दिया। तो देखिए, ये एक स्टेटमेंट बन गई, और यहाँ पर एक स्टेटमेंट और बना लेते हैं। यहाँ पर इस स्टेटमेंट में बस हम यही लिखेंगे, लेस देन 33। यहाँ पर लास्ट में मैं एक स्टेटमेंट और बनाऊंगा, जो लास्ट में अगर ऊपर की कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो ये स्टेटमेंट तो चलेगी चलेगी, तो इसमें भी मैं यहाँ पर एक मैसेज दे दूंगा, प्लीज एंटर वैलिड परसेंटेज। अब मैं ऊपर वाले सारे मैसेजेस को ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ये सेकंड मैसेज था, अगर कोई 60 से 79 तक अगर किसी के परसेंटेज आती है तो यू आर इन फर्स्ट डिवीजन, और अगर किसी के 45 से 59 तक आते हैं तो उसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पे सेकंड डिवीज़न, और इसी से और इसी तरह अगर किसी के 33 से 45 के बीच में, मतलब कि 44 तक आते हैं, तो वो थर्ड डिवीज़न में आ जाएगा,
और अगर किसी के लेस देन 33 आते हैं, मैं फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए, अगर किसी के लेस देन 33 आते हैं तो यू आर, यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे फेल। तो देखिए ये बन गया। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ पहले, तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया सेकंड डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं सेकंड डिवीज़न में, 55 है, 45 से 60 के बीच में आ रहे हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर मैं 59 करूँगा तब भी देखिए सेकंड डिवीज़न आ रही है, और जैसे ही मैंने इसको चेंज किया 60 किया तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न आ गई। अगर मैं किसी के यहाँ पर 89 करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरिट का मैसेज आ गया। मगर अगर मैं यहाँ पर जाकर किसी के मार्क्स 120 लिख देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, प्लीज़ एंटर वैलिड परसेंटेज, क्योंकि ऊपर की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, मतलब कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई है, तो लास्ट में ये मैसेज तो चलेगा ही चलेगा। तो देखिए वो मैसेज आ गया कि प्लीज़ एंटर वैलिड परसेंटेज। मगर अगर मैं यहाँ पर जाकर किसी के मार्क्स सिंपल 1 लिख दूंगा तो देखिए यू आर फेलियर। अगर मैं पॉइंट में दूंगा 0.5 तो देखिए उसके लिए भी मैसेज सेम ही है, यू आर फेल। तो देखिए ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर बन गया इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करके। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं और मल्टीपल हमने कंडीशनें बना ली। तो यही रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो हम आगे जाके प्रैक्टिकल्स में यूज करने वाले हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।